हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे निर्णय नो सिद्धांत डिसीजन थियरी। आज के वीडियो दोनों मीडियम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो मेथड हम सीख रहे हैं उस मेथड का नाम है अनिश्चितता ना संदर्भ में निर्णय, डिसीजन अंदर अनसर्टेनिटी, जहाँ पर चारों प्रिंसिपल चारों सिद्धांत हमको अप्लाई करने रहते हैं। ऑलरेडी इस मेथड का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। आज इस मेथड को अप्लाई करते हुए एक और प्रैक्टिकल सम सीखने वाले, वो सम है क्वेश्चन नंबर 27 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर सी है। यहाँ पर स्पेशल के अल्फा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो दी गई, बस उसको सॉल्व करो, अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो स्पेशल आपको सीखने को मिलेगा। बाकी सारी मेथड आपको अगेन रिपीट सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते, जो सम्स है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, अगर चाहते इस मेथड के रिगार्डिंग एक और कोई भी सम्स चाहते तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको सम्स पूरा राइट डाउन एग्जाम में करना ही रहेगा। उसके बाद आपको इसके नीचे दो टेबल बनाना है जिसके अंदर आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखिएगा लघुतम कीमत, मतलब आपको लघुतम कीमत फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू। सेकेंड इसी के नीचे आपको बनाना है महत्तम कीमत, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये दो कॉलम सबसे पहले बनाइएगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर आपको जितने व्यू दिए गए हैं, जितनी स्ट्रेटेजी दी गई है, उसके अंदर से सबसे पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आउटसाइड निकाल लेना है। उसके बाद ये चारों प्रिंसिपल में इसकी वैल्यू का यूज होने वाला ही है। तो देखिए, सबसे पहले A1, तो A1 के अंदर मिनिमम क्या और मैक्सिमम क्या, तो मिनिमम सबसे छोटा क्या है, याद रखिए माइनस अगर दिया गया तो माइनस के अंदर देखिएगा छोटा निकलेगा, और माइनस में दिया गया है 10, तो एक लौता वही हुआ माइनस 10 मिनिमम। और हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम क्या निकला, प्लस में 8। यहाँ पर सेकंड A2, तो A2 के अंदर माइनस में 4 भी है और माइनस में 2 भी है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या निकलेगा, याद रखिएगा माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिएगा। मतलब माइनस में बड़ी वैल्यू जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है, तो माइनस का 4 क्या होगा यहाँ पर हमारे लिए, मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, जबकि प्लस में देख लीजिए मैक्सिमम क्या है, 18, प्लस में 18। इसी तरह A3 में देख लीजिए मिनिमम क्या है, जीरो, मिनिमम जीरो, और मैक्सिमम क्या है, 14। आई होप आपको समझ में आया होगा, दो माइनस में वैल्यू दिया हो, तीन दिया तो कैसे सिलेक्ट करना है मिनिमम मैक्सिमम, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। अब शुरू करते हैं प्रिंसिपल अप्लाई करना। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, गुरु लघु मैक्सिमिन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल बड़ा ही ईजी है, इसमें आपको कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा इसका नाम दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होता है। मतलब यहाँ पर आपको पीछे से आंसर फाइंड आउट करना है, मतलब यार लघु लिखा, लघु मतलब लघुतम, मिनी मतलब मिनिमम, लघुतम के टेबल में जाना है, मिनिमम के टेबल में आपको जाना है, और वैल्यू तो आपको गुरु मैक्सिमम ही सिलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे जो आपने लघुतम निकाला है मिनिमम, इस वाली वैल्यू के अंदर जाना है, और इसमें से सिलेक्ट कौन सी वैल्यू करनी है, जो गुरु मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो वाली सिलेक्ट करनी, मतलब सबसे बड़ी कीमत सिलेक्ट करनी है। तो देख लीजिए -10, -4 और 0, तो तीनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, 0, और ये 0 जो है कौन से व्यू के लिए, कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए, A3 के लिए। तो आपका इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, गुरु लघु के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, A3 हो गया, क्योंकि A3 = 0। अब आपको यार थोड़ा बहुत राइट डाउन करना रहता है, तो क्या लिखना रहता है, सिंपल में एक बार लिख के बता देता हूँ, बाकी सब में भी आपको सेम ही लिखना रहता है। अगर लिखना है तो ये लिखने का आपको कि आ सिद्धांत प्रमाण है, गुजरात इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं, आ सिद्धांत प्रमाण है A3 नी महत्तम, महत्तम वर्तर लिख सकते हो या महत्तम कीमत लिख सकते हो, क्योंकि हम सिलेक्ट तो बड़ी कीमत कर रहे हैं ना, महत्तम वर्तर 0 मड़े छे। ठीक है, आपको ये लिख देना है, तेथी आ सिद्धांत मुजब, या डायरेक्ट लिख सकते हो तेथी आ सिद्धांत मुजब A3 व्यू पसंद करवो जो ये, अथवा तो व्यू श्रेष्ठ छे, व्यू पसंद करवो जो ये, अथवा आ व्यू श्रेष्ठ छे, इतना आप लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम टू सेम आपको क्या लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल A3 हैज मैक्सिमम पे ऑफ वैल्यू भी लिख सकते हो, या मैक्सिमम पे ऑफ भी लिख सकते हो, मैक्सिमम पे ऑफ आप वैल्यू दर्शाना चाहो या दर्शा सकते हो जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है। सो A3 इज बेस्ट स्ट्रेटेजी, या A3 शुड बी सिलेक्टेड, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। ये मैंने वन टाइम आपको लिख के बता दिया, इतना आपको एक बार लिख लेना है, जिससे हमारा आंसर हो जाएगा परफेक्ट और उसका पूरा मार्क आपको मिल जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। सेकंड प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, जैसा इसका नाम है वैसे इसी का भी आंसर आने वाला है, गुरु गुरु नो सिद्धांत मैक्सी
मैक्स प्रिंसिपल। अब इसमें भी आपको सेम ऐसा ही करना है, पीछे से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गुरु लिखा गया है मतलब महत्तम, मैक्सिमम के कॉलम में जाना है और सिलेक्ट तो आपको कौन सी वैल्यू करना है, गुरु, मैक्सिमम वैल्यू ही सिलेक्ट करना है। पहले याद रखिएगा, गुरु मतलब महत्तम, मैक्सिमम के कॉलम में आपको जाना है। और इसमें भी इसी तरह तीनों वैल्यू में से आपको जो गुरु मतलब बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो इस वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 18 है, क्या 18, और 18 जो है कौन सा व्यू की है, A2। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजी व्यू कौन सा A2 होने वाला है। बस आपको अगेन यही का ये सेंटेंस रिपीट कर लेना है, ठीक है, बाकी आपका आंसर हो चुका है A2। आई होप इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट किया आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, लाप्लास प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए लाप्लास प्रिंसिपल में क्या करना रहता है, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर लाप्लास प्रिंसिपल में आपको यहाँ पर इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहता है, एवरेज निकालना है, क्या निकालना रहता है, एवरेज सरेरास निकालना रहता है, मतलब जितने भी व्यू दिए गए हैं यहाँ पर, स्ट्रेटेजी दी गई है उसका सरेरास एवरेज निकालना रहेगा। और एवरेज निकाला नॉर्मली जानते ही है, तो यहाँ पर जितने A1 A2 और A3 दिया है तीनों का हम क्या निकालेंगे, एवरेज सरेरास निकालेंगे। सरेरास मतलब जितनी वैल्यू दी गई है उसे हम प्लस करना है, याद रखिएगा व्यू स्ट्रेटेजी की वैल्यू प्लस करना है, ऐसे प्लस नहीं करना है। तो 8 + 0 - 10 + 6, देखिए 8 + 0 माइनस है तो माइनस ही होगा, प्लस है तो प्लस होगा, डिवाइड में 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू तो डिवाइड में कितना होगा, 4 होगा। तो 8 - 10 और +6 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4/4 1 वैल्यू आएगा। सेम टू सेम A2 के लिए सरेरास निकालो, तो -4 + 12 + 18 - 2, तो आप कैसे यूज कर सकते हो आपको पता चल जाएगा, आंसर साथ साथ में आप बता सकते हो कितना आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब +30 और माइनस का 6 करेंगे तो 24 डिवाइड में होगा 4, तो कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, राइट है। A3 के लिए 14 + 6 + 0 + 8 कितना हो गया, प्लस करके सारी प्लस की वैल्यू, इसलिए प्लस होगी, माइनस की वैल्यू होती तो माइनस होती है, डिवाइड में 4 करेंगे तो यहाँ पर 28 डिवाइड में 4 कितना आएगा, इसका वैल्यू 7 आएगा। अब आपको यहाँ पर कौन सा स्ट्रेटेजी सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें जो आंसर आया है 1, 6 और 7 सिलेक्ट, तो आपको हाईएस्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू को ही सिलेक्ट करना है। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 7 है, और 7 किस स्ट्रेटेजी की है, A3 की। तो आपको भी लिख देना अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल, यहाँ पर इस लाप्लास प्रिंसिपल सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप कौन सा व्यू पसंद करेंगे, स्ट्रेटेजी A3 पसंद करेंगे। आपको सेंटेंस यही अगेन रिपीट करना रहेगा, और ये थर्ड मेथड भी हुई कंप्लीट। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका। आते हैं फोर्थ मेथड की ओर, हॉर्विज की ओर, और ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इस मेथड में आपको प्रिंसिपल, इस मेथड के अंदर आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। तो ध्यान से समझिए, फॉर्मूले भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो हॉर्विज का प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर फॉर्मूला कैसे बनाया गया आप समझिएगा। देखिए फॉर्मूले में आपको यहाँ अल्फा की वैल्यू गारंटेड आपको सम्स में दी होगी, और यहाँ पे ट्यूस दिया, मैं समझा तो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूले के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको अल्फा यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको 1 - अल्फा यूज़ करना है, ठीक है। अब ये अल्फा के साथ आपको कौन सी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना, महत्तम जो हमने टेबल फाइंड आउट किया उसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, महत्तम मैक्सिमम वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। जबकि 1 - अल्फा के साथ, क्योंकि ये निराशावादी और ये आशावादी, इसके लिए निराशावादी के साथ लघुतम, 1 - अल्फा के साथ आपको लघुतम मिनिमम वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का जो भी आपका आंसर आएगा दोनों के बीच क्या है, प्लस का साइन है, ये इसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं अल्फा की वैल्यू सम्स में क्या दिए, अब यहाँ इस सम्स में डायरेक्ट नहीं दिए बल्कि थोड़ा समीकरण टाइप, इक्वेशन टाइप लिखा गया है, α - 1 = -0.4। देखिए क्या लिखा गया, α - 1 = -0.4, तो बेसिक सा है, आपको इतना आना ही चाहिए कि माइनस का 1 इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो α = ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 0.4 है, ठीक है, याद रखिएगा माइनस का 1 इस साइड अगर प्लस में ले गए, ठीक है, क्योंकि माइनस का उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, बट साइन जो है बड़ी वैल्यू की आने वाली है तो प्लस का ही बचने वाला, तो प्लस का क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो α = क्या मिला हमको, 0.6 मिला है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फॉर्मूला ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया, अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर अल्फा और 1 - अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर कितने स्ट्रेटजी थे, 3, A1
ए टू और ए थ्री। तो अल्फा तो मिल गया आपको 0.6, तो तीनों के लिए 0.6 0.6 राइट डाउन कर लीजिए। वही वन माइनस अल्फा कितना होगा, टोटल वन, वन में से माइनस कीजिए 0.46, तो 0.4 मिल जाएगा आपको। वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.4। अब देख लीजिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने की बात की गई है, यहाँ पर महत्तम मैक्सिमम और यहाँ पर लघुतम मिनिमम वैल्यू, जो ऑलरेडी हमने यहाँ टेबल में फाइंड आउट करके रखी हुई है, देख रहे होंगे लघुतम और महत्तम, ठीक है। ए वन का देख रहा होगा, ए टू और ए थ्री तीनों का, तो महत्तम 8 है और मिनिमम कितना -10 है। तो देखिए महत्तम पहले लिखना 8 और यहाँ पर -10, बस इतना सिंपल सा है कॉन्सेप्ट फॉलो करना आपको, ज़्यादा फॉर्मूले पर फोकस नहीं करना, नॉर्मल इजीली आपको याद हो जाएगा। 18 और माइनस का 4, यहाँ पर 18 महत्तम और लघुतम मिनिमम माइनस का 4, यहाँ पर प्लस का 14 और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 14 और यहाँ पर 0। बस अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा ध्यान से कीजिए क्योंकि माइनस की वैल्यू भी अंदर दी गई है इसके लिए। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4.8 मिलेगा। यहाँ प्लस का साइन है बट अंदर जब मल्टीप्लाई करो तो आपको -10 होने की वजह से बाहर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 0.8 निकल के आ रहा है। सेम इसी तरह आगे बढ़ते 0.6 × 18, तो कितना हो जाएगा, 10.8 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटसाइड में माइनस का साइन आएगा 1.6, और माइनस करके आपको मिलेगा 9.2। प्लस होने के बाद जो माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों के बीच का साइन चेंज हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए 0.6 और 14, तो कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। यहाँ जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 8.4। तो तीनों का आंसर हमने फाइंड आउट कर दिया। अब सिलेक्ट कौन सा करना है, बेसिक चारों के चार में सेम ही कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ही आपको सिलेक्ट करना होता है। तो तीनों में मैक्सिमम आपका क्या निकला, 9.2, मतलब ए टू इस मेथड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाएगा। हॉर्विज के अकॉर्डिंग कौन सा व्यू स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगा, कौन सा व्यू पसंद करना चाहिए, ए टू व्यू पसंद करो, जो ये आपको सेंटेंस एक बार राइट डाउन कर देने का, बस यहाँ पर ये मेथड भी हो गई कंप्लीट। आई होप आपको ये अल्फा की वैल्यू भी समझ में आएगी और फॉर्मूला कैसे यूज़ किया वो भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये सम्स भी होता है कंप्लीट। इसका जो फर्स्ट वाला सम है वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद आपको ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा भी इस मेथड का कोई और सम्स चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।